तो चलो शुरू करते हैं। फिर एक चाइनीज़ फिश का प्रिपरेशन है जो देख सकते हैं आप, मीजा हम लोग ने काट रख कर रखा हुआ है, रेड येलो ग्रीन बेल पेपर आप लोग जुलियन कर लीजिएगा, उसके बाद थाई जिंजर और लेमन ग्रास। फिश में हमने पॉम्पलेट फिश लिया है क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल था, मैं तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो अवेलेबल होगा जो फिश आप वो यूज कीजिएगा। फिश को अच्छे से वॉश करके उसमें अच्छे से चीरा मार लीजिएगा, ऐसे जहाँ हम लोग दाग लगा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसे करने से मैच का जो ये मैरिनेशन है वो अच्छे से फिश में डूब जाता है। मैरिनेशन के लिए हम लोग लिया है वो हल्का सा ओयस्टर सॉस, आप देख पा रहे होंगे, और ब्लैक क्लास ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और उसमें आप जो आपके पास ये होगा तो आप उसमें मैरिनेशन कर लीजिएगा। स्टफिंग में थोड़ा सा थाई जिंजर अंदर स्टफ कर लीजिएगा, उनका इससे क्या होगा आपका जो फ्लेवर है फिश में जो फ्राई करेंगे डीप फ्राई में, जो डीप फ्राई होगा तो उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा निकल के आएगा फिश में से, ब्लेंड फ्लेवर नहीं आएगा। उसमें बाद आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर में इसको डस्टिंग कर लीजिएगा, देख पा रहे होंगे इसको कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा डस्टिंग कर लीजिएगा। जब फ्राई होगा तो फिश जो होगा वो क्रिस्पी फ्राई होगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद ऑयल को मीडियम हीट में रख के आप इसको फ्राई कर लीजिएगा अच्छे से। अब देख पा रहे होंगे मेरा ऑयल का जो टेम्परेचर है वो अच्छा हीट है, ठंडा तेल में मत छोड़िएगा, कॉर्नफ्लावर जो कोटिंग है वो निकल जाएगा, फिश आपका ख़राब हो जाएगा। वो देख पा रहे होंगे हीट जो है तेल का मीडियम हीट में है। इसको दो बार में फ्राई कीजिएगा, उठा के एक बार फ्राई करने के बाद थोड़ा सा उठा के और थोड़ा निकाल के उसके बाद फ्राई कीजिएगा। इसमें क्या होता है फिश का जो टेक्सचर वो क्रंची रहता है, देख पा रहे होंगे मेरा फिश कितना क्रंची होकर फ्राई हुआ है, एकदम गोल्डन कलर होने के बाद फिश आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम लोग सॉस का प्रिपरेशन करेंगे, इसमें जो सॉस रहेगा वो उसका प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। सॉस के लिए आपको ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत नहीं है, जो हम दिखा रहे हैं उसमें पहले फ्राई पैन लीजिएगा, उसमें से मेरे पास वो हम लोग ओक यूज़ करते हैं तो इसलिए हमने ओक लिया, आपके पास घर में जो होगा आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओक को अच्छे से हीट करके उसमें चॉप जिंजर गार्लिक वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जुलियन थाई जिंजर और लेमन ग्रास, क्योंकि थाई फ्लेवर में रहेगा इसलिए लेमन ग्रास और थाई जिंजर आपको ज़रूरी है। उसके बाद लेमन लीफ ऐड कीजिएगा उसमें, एक अच्छा सॉस में एक अच्छे सा आरोमा देने के लिए, हम लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद स्टॉक वाटर यूज कीजिएगा, आपका जो वेजिटेबल स्टॉक होता है वो यूज कीजिए, वरना आप नॉर्मल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग देख पा रहे होंगे नॉर्मल स्टॉक वाटर यूज कर सकते हैं, वरना आप आपके पास जो अवेलेबल होगा उसके बाद एरो रूट आपके पास होगा उसमें एरो रूट यूज करके हल्का सा कॉर्नफ्लावर यूज कीजिएगा सॉस को थिकनेस दे देने के लिए। उसके बाद इसका सो ओयस्टर सॉस अभी यूज कीजिएगा उसमें, सॉस में आप लोग देख पा रहे होंगे सॉस का जो कंसिस्टेंसी है ऐसे ही रहना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होगा, ज़्यादा थिन भी नहीं होगा। उसमें सीजनिंग करने के लिए आप सॉल्ट क्रश ब्लैक पेपर वो वेस्ट सॉस और ये यूज़ करके, और जो कटा हुआ मीजा था हम लोग कटे थे उसको हमने ऐड किया था जुलियन बेल पेपर वगैरह उसको हीट किया है, और सीजनिंग में जो मैंने आपको बोला वही सब सीजनिंग जाएगा उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। देख पा रहे होंगे आप लोग प्लेटिंग हमने इस तरह से प्लेटिंग किया है, आप चाहे तो किस तरह से इसी तरह से प्लेटिंग कर सकते हैं। बेस में थोड़ा सॉस दे के उसमें ऊपर से आप सॉस मार दीजिएगा, और ऊपर से आप लोग आपके पास जो अवेलेबल होगा गार्निश में आप यूज कर सकते हैं। हमारे पास स्प्रिंग ओनियन था इसलिए हम लोग स्प्रिंग ओनियन यूज़ किए हैं, आपके पास जो अवेलेबल होगा आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था वॉइस ओवर का, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई भूल हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा, ये फर्स्ट भी मेरा वॉइस ओवर है। आशा करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सपोर्ट शेयर कीजिए, इसी तरह से मैं आपको बेहतरीन वीडियो और आगे मैं लाता लाऊँगा। ऐसा कैसा लगा आपको ये डिश कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।